Hello all. So my name is Arjun, and now I would like to talk about my experience about project management. So project management कैसा course है? Basically हमारे project को कैसे handle करना है, सभी calculation हमको कैसे करनी है, financial related सभी होते हैं उसमें. Basically आप कोई भी course लेके आए हो, मतलब आप pharma का course लेके आ रहे हो, कोई भी CLT course, मतलब आप इंडिया से पढ़ाई करके आ रहे हो, engineering की, medical की, architecture की, कंप्यूटर की, तभी भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कॉमन कोर्स है जो आप ले सकते हैं. मतलब आप अगर एक साल का कोर्स लेके यहाँ पे आ सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरा ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया था. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा वैसा कोर्स नहीं है कि डरहम में, स्पेशली डरहम में सॉरी, ऐसा कोर्स नहीं है कि आप कैसे ही पास हो गए. आपको सभी लेक्चर्स पढ़ने होंगे, आपको सीरियसली अपना असाइनमेंट करना पड़ेगा, आपको सभी टेस्ट सीरियसली देनी पड़ेगी, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी. दूसरी कॉलेज जैसा नहीं है, मेरा दोस्त सोल्ट कॉलेज इसमें है और भी कई सारी कॉलेज इसमें है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है. ये स्पेशली डरहम में थोड़ा ज़्यादा हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है. तो मेरी ये थी मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस फूड एंड फार्मास्यूटिकल का. तो मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था. तो और अभी थोड़ी थोड़ी धूप यहाँ पे एक मेरा भी ये बात है कि आपको धूप अभी दिखाई दे रही होगी वीडियो में कि धूप निकल आई, ठीक है, लेकिन ठंडी अभी भी है. अभी भी टेम्परेचर 6 to 8 डिग्री है. तो आपको जैकेट विकेट में अभी जैकेट पहन के नहीं है, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन आपको ये जैकेट या वोडी पहन के वहाँ से आना पड़ता है इंडिया से, मतलब सॉरी यहाँ कनाडा में पहन के रखना पड़ता है. जब चाहे कि धूप निकल आई हो तब भी, ठीक है. तो अर्जुन एक बार फिर से दिखा दे, ये पूरा व्यू ऐसा है. ये वहाँ पे 901 बस खड़ी है, तो वहाँ पे खड़ी रहती है कॉलेज से निकलने के बाद, उसमें डायरेक्ट चढ़ जाने का, ठीक है. फिर आप अपने घर पर पहुँच सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे ट्रांजिट सर्विस बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है. तो चलो, तो मैं अभी हम अंदर जाते हैं. आपको पूरी की कॉलेज तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ी है, उसमें बहुत कॉरिडोर है. मेन में पॉइंट आपको दिखाने की ट्राई करूँगा, और उसमें से बीच में मैं अपना ओसावा का एक्सपीरियंस, अपनी जॉब का एक्सपीरियंस जो भी है वो मैं बताने की ट्राई करूँगा, ठीक है.